नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे नजर सब पर। बड़ी खबर यूपी के मेरठ से है, जहां लोगों ने इस बार कांवर यात्रा ना होने का फैसला लिया है। साथ ही शिव भक्तों के लिए कांवर कैंप भी नहीं लगाए जाएंगे। कुछ इसी तरह का ज्ञापन कांवर यात्रा और कांवर शिविरों से जुड़े संगठनों के द्वारा आईजी के कार्यालय पहुंचाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक संगठनों स्वप्रेरणा से इस बार खुद को कांवर मेले से अलग करने का निर्णय लिया गया है। इस सभी का कारण सिर्फ जानलेवा कोरोना वायरस है। गौरतलब है कि ज्ञापन में कांवर मेला आयोजन अपनी स्वप्रेरणा से रोक लगाने की बात कही गई है। आईजी प्रवीण कुमार ने खुद इस बात को स्वीकारा है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छी बात है कि लोग खुद ही आगे आकर ऐसी पहल कर रहे हैं। इस बार कांवर शिविर नहीं लगाने का निर्णय लिया गया है। आईजी ने बताया कि सभी लोगों ने एक स्वर से निर्णय लिया है कि इस बार वे अपने घर पर ही धूमधाम से शिव पर्व मनाएंगे। वे ना बाहर निकलेंगे और ना ही कांवर यात्रा में भाग लेंगे। आईजी का कहना है कि जो लोग सड़कों पर अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो भी निर्णय है वो तो शासन स्तर से होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें स्वप्रेरणा से जो मेरठ परिक्षेत्र के विभिन्न जनपद हैं, इसमें कांवड़ से संबंधित जो भी समितियां हैं, इनके द्वारा अपनी तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि COVID-19 के संक्रमण के दृष्टिगत, शासन के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के परिप्रेक्ष्य में अब ये सभी जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वो किसी भी दशा में इस बार कांवड़ को लेकर के